वेलकम अगेन फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस सीरीज फॉर बिगनर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस एडिटर, इसमें दो एडिटर्स आते हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड, गटनबर्ग वर्सेस क्लासिक। तो फ्रेंड, इसका मैं एक हिस्ट्री बता देता हूँ कि जब वर्डप्रेस शुरू हुआ था, जब से क्लासिक एडिटर चल रहा है, लेकिन वर्जन 5 के आसपास वर्डप्रेस ने गटनबर्ग करके एक न्यू एडिटर निकाला है, जिसका लुक एंड फील जो है वो काफी अजीबोगरीब है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। तो स्पेशली मुझे भी वो लुक एंड फील अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो क्लासिक एडिटर। तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि किस तरह से हम क्लासिक एडिटर को वापस से यूज कर सकें। इसके काफी सारे फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको ऑनलाइन पर ले जाकर अभी दिखाता हूँ मेरे स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। और आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, एंड आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से गटनबर्ग जो है वो दिखता है। इसके बाद इसको हम कैसे क्लासिक एडिटर को इनेबल करेंगे वो भी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आपने गटनबर्ग को ऑन किया, आपने एडिट पोस्ट न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर इस तरह से ये यूजर इंटरफेस लुक जो है वर्डप्रेस का क्लासिक दिखता है। तो यहाँ पर आप आपका टाइटल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आपको डालना है हाउ टू एड इमेजेस, तो इस तरह से आपको लिखना रहता है। एंड यहाँ नीचे जो आपको ब्लॉक दिया है, स्टार्ट राइटिंग और टाइपिंग चूज ए ब्लॉक, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना रहता है। तो यहाँ पर आप भला भला कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से दिखता है। एंड इसके बाद कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि पैरामीटर्स दिए हुए हैं, प्रेजेंट साइज क्या है, कॉलम कितने हैं, कलर सेटिंग क्या रखना है आपको, एडवांस में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, कस्टम सीएसएस क्लास दे सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी विजिबिलिटीज है, ये पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किस टैग में बिलोंग कर रहा है, फ्यूचर इमेज क्या है, एक्सपर्ट क्या है, डिस्कस क्या है, पोस्ट एंड एट्रीब्यूट क्या है। तो ये मैं वापस से आपको बताऊंगा कि जब हम पोस्ट बनाएंगे, बट इसका लुक एंड फील जो है वो कुछ इस तरह से है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बहुत सारे लोगों को इसको पसंद नहीं आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर डॉट पे क्लिक करेंगे तब भी काफी सारे ऑप्शंस है। तो अभी हम करेंगे इसको क्लोज एंड जाएंगे वापस से हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर हम शुरू करेंगे कि किस तरह से हम प्रीवियस एडिटर, क्लासिक एडिटर, जो कि बहुत ही अच्छा एडिटर माना जाता है, तो उसके लिए आप कर लीजिए, एक प्लगइन्स पर आइए एंड प्लगइन्स में एड न्यू प्लगइन्स, और देखेंगे आप टॉप पर ही आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लासिक एडिटर। अगर ये आपको क्लासिक एडिटर यहाँ पर टॉप पर नहीं दिखता है तो आप सेम नेम ऊपर टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लासिक एडिटर प्लगइन्स वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एडिटर आया, आप कर लीजिए इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो दोस्तों, इस एडिटर की जो खासियत है वो काफी नीट एंड क्लीन है। अभी हम वापस से चलते हैं हमारी पोस्ट की ओर और वापस से क्लिक करते हैं न्यू पोस्ट। तो वर्डप्रेस का जो लुक एंड फील्स है पोस्ट का या पेज का, वो अब इस तरह से दिख रहा है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन और बिगनर्स के लिए काफी इजी है समझने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर वर्डप्रेस लर्न कर रहे हैं मेरे इस वीडियो के थ्रू, तो आप क्लासिक एडिटर से स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, फिर आप खुद कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ का जो लुक एंड इंटरफेस है, आपको ये जो टाइटल है, जो भी आप पोस्ट लिखना चाहते हैं उसका टाइटल दे सकते हैं। ये आपका बॉडी कंटेंट है, यहाँ पर आप बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट एडिटर आता है, यहाँ पर भी आप टेक्स्ट एडिटर में आप कुछ HTML कोड जो कि ऊपर शॉर्टकट दिए हुए हैं, जिस तरह से UL, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट इमेज, ये सब सारी बेसिक चीजें आप लिंक कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, वो आप सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ वापस से, अगेन सेम टाइटल, हाउ टू एड इमेज।
हाउ टू एड इमेजेस, और यहाँ पर वापस से हम कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। और इसको अगर आप राइट साइड की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये पब्लिश है, यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। एंड इसके नीचे आप देखेंगे तो ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, टैग कौन से बिलोंग करता है, इसका टेम्पलेट टाइप क्या है, डिफॉल्ट कवर फुल विथ एंड सेट फ्यूचर इमेज। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन इंटरफेस है, बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा यूजफुल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नीट एंड क्लीन इंटरफेस को यूज करें ताकि आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।